एग्जाम्पल रिगार्डिंग व्हाइल लूप एंड गो टू स्टेटमेंट। इसके समय व्हाइल और गो टू का कॉम्बिनेशन पॉइंट क्या, जनरली अभी एक्सप्लेन किया था किसी भी लूप का एग्जीक्यूशन कब तक परफॉर्म हो, जब तक लूप का कंडीशन ट्रू है। लेकिन कंडीशंस के अलावा लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करने के अदर भी कई सारे अप्रोच हैं, लाइक वाई यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, यूजिंग एग्जिट फंक्शन, यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। इस केस में यूज किया गया है गो टू स्टेटमेंट। फर्स्ट वन सिक्वेंस वन एग्जीक्यूशन बिगिंस, सिक्वेंस टू के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या हुआ। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस लाइन को इंटरप्रेट करेगा, इसके अकॉर्डिंग मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्रिएट हुआ एज एक्स। मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट करूँ इसको एज एक्स। नेक्स्ट वन, इसके अकॉर्डिंग एक्स में असाइन कर रहा इनिशियल वैल्यू एज वन। थर्ड केस में परफॉर्म हुआ टेस्टिंग कंडीशन ऑफ द लूप, या लूप के केस में कंडीशन टेस्ट होगा। इसके इसमें ऑपरेशन फॉर्म हो रहा प्री ऑपरेशन और प्री इंक्रीमेंट। प्री के अकॉर्डिंग पहले एक्स में इंक्रीमेंट होगा, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, क्योंकि एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है वन। वन से इंक्रीमेंट कराने पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा टू। टू इंक्रीमेंट होने जस्ट और इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करें इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज टू। देन परफॉर्म हुआ कंपेरिजन टू लेस देन फाइव, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है इसका रिजल्ट क्या आएगा फाइनली वन। वन है इसके इसमें बॉडी सेशन एग्जीक्यूट हो बॉडी के अंदर थर्ड के बाद नेक्स्ट फोर्थ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगेन परफॉर्म क्या होगा प्री इंक्रीमेंट। फिर से इंक्रीमेंट परफॉर्म करें देन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री, क्योंकि ऑलरेडी एक्स का वैल्यू क्या है टू। नेक्स्ट वन करंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद जस्ट कंट्रोल चेक क्या करें नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फंड हो रहा है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के केस में आपने जो भी मैसेज पास किया सेम मैसेज डिस्प्ले हुआ। फर्स्ट वन प्रिंट एफ के अंदर फाउंड क्या हो रहा है प्लस प्लस मीन्स प्री इंक्रीमेंट। अगेन एक्स में वन मोर टाइम प्री इंक्रीमेंट होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके इसमें फोर। फोर होने के बाद इंक्रीमेंट होने के बाद देन परफॉर्म कराएंगे रिप्लेसमेंट, पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट। इंक्रीमेंट कराने के बाद रिप्लेस कराएंगे करेंट वैल्यू ऑफ एक्स, करेंट वैल्यू फोर फाउंड हो रहा है इसलिए प्रिंट एफ में रिप्लेस भी क्या हुआ इंक्रीमेंट के बाद ऑल्सो वैल्यू ऑफ एक्स इज फोर। देन प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ वैल्यू एस फोर, आउटपुट एस फोर। फोर प्रिंट होने के जस्ट बाद कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर सेंड हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट के केस में स्टेटमेंट का टाइप है गो टू स्टेटमेंट और गो टू का वर्किंग क्या सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल ऑन द स्पेसिफाइड लेवल। इस केस में जब कंट्रोल इस लेवल पर सेंड हुआ सिक्वेंस क्या इसका समथिंग सेवन मीन्स कंट्रोल कहाँ आ चुका है आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। अगर किसी भी ब्लॉक से बाहर अगर एक बार एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड हुआ देन कभी भी वापस जाने के चांसेस नहीं। इसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो इन नॉर्मल मैनर्स। ये देखा जाए तो इसका कंडीशन तो टू था लेकिन सेकंड टाइम इसका कंडीशन टेस्ट ही नहीं हुआ। कंडीशन कितनी बार टेस्ट हुआ था ओनली वन टाइम्स। नेक्स्ट टाइम गो टू के थ्रू कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड किया आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। इस तरह से लॉजिकली गो टू स्टेटमेंट का यूज करके भी लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करना पॉसिबल है। ना आउट के बाद देन स्टेटमेंट फाउंड हो रहा है एज अ प्रिंट एफ एंड नेक्स्ट मैसेज प्रिंट हो जाएगा मैसेज एज एंड फाइनल रिजल्ट इज फोर एंड। देन एंड के बाद प्रिंट एफ के बाद नाइन्थ केस क्या है क्लोजिंग ऑफ फंक्शंस। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ गिवन प्रोग्राम।